चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है मौद्रिक नीति समीक्षा, जो कि हाल ही में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए RBI द्वारा की गई है। इस विषय के अंतर्गत हम मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है और अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव आने वाले समय में पड़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों के उपाय हमें करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की है। इसकी घोषणा RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने करी है हाल ही में। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रुख को इसमें उदार रखा है, यानी कि नीतिगत दरों में ज़्यादा परिवर्तन इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। इससे पहले भी जो फरवरी में मौद्रिक नीति जो समीक्षा हुई थी उसमें भी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देख लेते हैं कि ये जो 2021 और 22 की मौद्रिक नीति समीक्षा हुई है, पहली मौद्रिक नीति समीक्षा है ये 2021-22 के लिए, उसमें क्या क्या कहा गया है। RBI ने वित्त वर्ष 21 और 22 में GDP में 10.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है और साथ ही में रेपो रेट के में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट जो है इसमें 4% को बनाए रखा गया है, जो कि पहले भी थी। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है, यानी कि ये जब बढ़ जाती है तो बैंकों को लोन महंगा मिलता है और इसका असर जो है आम नागरिकों पर भी पड़ता है। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट भी जो है उसमें भी किसी भी तरह का बदलाव इसमें नहीं किया गया है। रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट में भी किसी भी तरह का बदलाव इसमें नहीं किया गया है, वही बरकरार रखा गया है जो कि पहले था, यानी कि 3.35% इसको रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में धन या सामान या जो भी है प्रतिभूतियां इत्यादि जमा कराने पर ब्याज मिलता है। जमा धन पे जो ब्याज मिलता है RBI की तरफ से बैंकों को, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। बैंक रेट की अगर बात करें हम, तो बैंक रेट में भी किसी भी तरीके का इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंक रेट भी 4.25% ही इसमें रखी गई है। अब बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वो दर होती है जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज दिया जाता है उसी को बैंक रेट कहा जाता है। इसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। कोविड वायरस मामले में अभी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है उसकी वजह से हालांकि अनिश्चितता पैदा हो गई है, फिर भी RBI द्वारा मौद्रिक नीति समिति में यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद की गई है। जो अभी हालात बनते जा रहे हैं वो इस प्रकार बनते जा रहे हैं कि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई थी, फिर सुधार की स्थिति देखी गई। अब मौद्रिक नीति समिति की जो ये समीक्षा आई है और इस समीक्षा के साथ ही दूसरी तरफ मामले भी बढ़ रहे हैं, तो एक तरफ इसके अंदर सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है, दूसरी तरफ वर्तमान हालात को देखते हुए आगे क्या होगा हम कह नहीं सकते, इसलिए इसमें अनिश्चितता की बात भी की जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि खुदरा महंगाई दर के बारे में इस समीक्षा में क्या कहा गया है। वित्त वर्ष 2020 और 21 में खुदरा महंगाई दर 5% पर रही, और जबकि इससे पहले इसका अनुमान था कि ये 5.2% पर रहेगी। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली और दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई दर के 5.2% और तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि ये पहले घटते क्रम में, फिर बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में आपको दिखाई देगी। अब इसमें
उन चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है जो कि हमारे सामने आएंगी वर्तमान परिस्थितियों की वजह से। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड ही जो है इसका प्रसार हो रहा है, यही है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है। एक तरफ टीकाकरण हो रहा है, दूसरी तरफ जो है कोविड 19 के वापस से जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था पर देखा जाएगा। तो इसमें चुनौतियां भी हैं, कोविड का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में हालांकि सुधार तो हो रहा है। हाल ही में देश में कई राज्यों में कोविड के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से अनिश्चितता भी बढ़ी है। तो ये मुख्य चुनौती है और इससे निपटने की तैयारियां भी की जा रही है। केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक रूप को उदार तो बनाए रखा है और कोविड 19 के नए मामले बढ़ने की वजह से ग्रोथ आउटलुक पर अनिश्चितता भी दिखाई दे रही है। कई राज्य सरकारों द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए जा रहे लॉकडाउन और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों की वजह से आर्थिक रिकवरी को झटका लग सकता है और आगे स्थिति जो है अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल बन सकती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो कि अर्थव्यवस्था को अच्छी ग्रोथ रेट पाने में सामने आ सकती है, जिसके बारे में अभी हम ये नहीं कह सकते कि आएंगी या नहीं आएंगी, चीज़ें अनिश्चित हैं। इसके अंदर जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी बात की गई है। 2021 और 22 के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है 10.5% का लगाया है और नए कर्ज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अब हम देखते हैं तरलता के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विडिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसके बारे में क्या कहा गया है इस मौद्रिक समीक्षा में। केंद्रीय बैंक सिस्टम में पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे भी। ग्रामीण इलाकों से ग्राहकों की मांग में तेजी दर्ज की जा रही है और शहरी इलाकों से भी ग्राहकों की मांग में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जब मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति भी ज़्यादा होगी तो लिक्विडिटी अपने आप बढ़ जाती है। दुनिया भर में कोविड 19 का टीकाकरण चल रहा है और टीकाकरण चलने से जो है इसमें सकारात्मक सुधार होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इससे आर्थिक रिकवरी भी हो पाएगी। इसके साथ ही दुनिया भर में बैंकिंग नियामक मौद्रिक नीतियों को नरम कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पे भी जीडीपी को मदद मिलेगी और देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलने से जो है उम्मीद की जा रही है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही ये टॉपिक पे हमने मुख्य बातें कवर कर ली है। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, जीडीपी में 10.5% की ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया गया है। कथन दो, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 4% रखा गया है। उपरोक्त में से सत्य कथन है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को, जो कि स्वेज नहर से संबंधित था। पूछा गया था कि इसकी योजना किसने बनाई थी। इसका सही उत्तर है फर्डिनांडी लेसेप्स ने इसकी योजना बनाई थी और ये फ्रांस से संबंध रखते थे। फ्रांस के राजनायक थे, फ्रांस की सरकार से इन्होंने योजना बनाने के बाद आर्थिक मदद मांगी थी और फिर उन्होंने स्वेज नहर की योजना बनाने के बाद इसकी कंपनी बनाई और मिश्र की सरकार ने भी इनकी मदद की थी। इसके बाद इस नहर का निर्माण हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।